अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। अक्सर लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि सिद्रा हाउ डू यू स्टे इन योर बबल, यानी एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग यू डू इन लाइफ। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो यू नो प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको वर्कहॉलिक का लेबल लगेगा, कम काम कर रहे हैं तो आपको सुस्ती और काहली का लेबल लगेगा। यानी लोग किसी हाल में खुश नहीं हैं। अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं तो उसमें कीड़े निकालेंगे, अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आप पर तनकीद करेंगे। सो आई मीन लाइफ इज़ जस्ट नॉट कैन नॉट बी अबाउट अदर पीपल्स ओपिनियन। लेकिन फिर एक फ़लसफियाना सी बात है कि आपका जो भी ज़िंदगी के हवाले से प्रस्पेक्टिव है, ओपिनियन है, चीज़ों के बारे में आप इतनी राय कायम करते हैं या ज़िंदगी में फ़ैसले लेते हैं, उसमें 80% दूसरे लोगों की राय और कॉन्ट्रीब्यूशन शामिल होता है। चाहे आप इसको कॉन्शियसली सोचें या आपको ये सबकॉन्शियसली आप पे अफेक्ट कर रही हो, यानी बचपन से जिन चीज़ों को आपने अपने माहौल में नोटिस किया होता है वो कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत में सराहियत कर चुके होते हैं। और इसके बारे में अवेयरनेस हासिल करना बड़ा अहम है। तभी हम समझते जब हैं कि जी मैं अपने फ़ैसले अपने तरीके से लेता हूँ, मैं खुद मुख्तार हूँ। क्या आप वाकई इंडिपेंडेंट हैं? आइए इन तमाम चीज़ों को ज़रा लेकर चलते हैं। लेकिन सबसे पहले जब हमने यही सवाल लोगों से किया, पब्लिक ओपिनियन लिया, तो आइए आपको सुनवाते हैं कि लोगों ने क्या कहा। सब लोग कहेंगे ऑफकोर्स, अभी भी हम यहाँ पर आए, गेटअप है तो ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ी बहुत टिपिकल सोच आ जाती है लोगों की कि ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं या क्या कर रही है, क्योंकि मैं एज अ डांसर बात कर रही हूँ तो ऑफकोर्स उसमें भी काफ़ी सारे लोगों के टॉन्ट वगैरह आएंगे। जब आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे ना लाइफ में तो तभी चीज़ें ओवरकम होती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये मैं इस बारे में कहूंगी कि जब जिन लोगों को खौफ है कि लोग क्या कहेंगे ना, उनको सोचना चाहिए कि असल में जवाब दे उनको लोगों का नहीं होना है, ठीक है, या तो अपने आप को होना है और या अल्लाह ताला को होना है। जैसे मेरा काम है आर्ट पे हूँ, ये भी लोग 10 बातें कहते हैं लेकिन मैं उनको ध्यान तक नहीं देता, मैं उनको इग्नोर करता हूँ। और कैसे कर पाऊँगा पता नहीं, सपोर्ट भी करेंगे या नहीं करेगी, तो काफ़ी मतलब उन्होंने शुरू में तो सपोर्ट किया, बीच में एक साल गुजरने के बाद फिर वो थोड़ी बहुत बातें हो जी, क्योंकि थिएटर में आप अर्निंग नहीं कर सकते कि लोग क्या कहेंगे। जो कि मैं भी समझता कि ये चीज़ सोचना चाहिए, ठीक है, एक हमारी कम्युनिटी के लिहाज से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, लेकिन अगर आप अपने अंदर खुद अतमादी पैदा करेंगे तो फिर ये सोचना छोड़ देंगे कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। अब लोगों को कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप कोई भी मोटो रखते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो वट एवर पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू, यू हैव टू निगलेक्ट। आपको अपने ट्रैक पे, अपने गोल पे चलना है, इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी लोगों का खौफ की। जी जनाब, दीज आर यंग आर्टिस्ट जो कि आर्ट्स काउंसिल के यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और आप समझ सकते हैं कि ये अपनी राह खुद बनाना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादा अहम सवाल ये है कि जब हमें ये बात इम्पैक्ट करने लगती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप ये अपने आप से सवाल कीजिए कि उनकी बनाई हुई राय में से कौन सी चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है। मिसाल के तौर पे हम इस बात का तकिया दूसरे पे कर रहे होते हैं कि उसकी जजमेंटल सोच से हमें तकलीफ़ होगी, उनकी अप्रूवल की वैलिडेशन की हमें ज़रूरत है, शायद वो हमारे बारे में मनफी राय बनाएंगे तो ये गलत बात हो जाएगी। लेकिन उस मनफी राय से कहीं ना कहीं आप ख़ुद रेजोनेट कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये इखलाकी तौर पर सही नहीं है, तभी आप कॉन्शियस होते हैं कोई ख़ास लिबास पहन कर, कोई ख़ास तरीक़ेकार अपना कर, या कोई रूल तोड़ कर। अगर आपके घर में रूल है कि जी लड़कियां एक्स वाई जी नहीं करती, आला तालीम हासिल नहीं करती या नौकरी नहीं करती, तो कहीं ना कहीं ये खौफ, ये चीज़ आपके अंदर भी मौजूद है, तभी तो वो आपको रेजोनेट कर रही है। सो हाउ डू यू ब्रेक दीज शैकल्स और डू दे नीड टू बी ब्रोकन? यानी कई दफ़ा लोग आज ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे सोशल फैब्रिक की, हमारे माशरे में इतनी मनफी जो रुझानात हैं उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमने हर रूल को तोड़ने की कोशिश की है, यानी लोगों का ख्याल हमने नहीं किया, माशरे का ख्याल हमने नहीं किया, क्योंकि इसमें कई चीज़ें अच्छी भी थी। सो लेट्स डिस्कस दैट। हमारे साथ आज मौजूद हैं महविश सैयद जो कि एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं, इसके अलावा कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं। थैंक सो मच महविश फॉर बीइंग हियर। फिर इसके अलावा हमारे साथ हमारे कराची स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान बिन मुबीन, आप भी माहिर नफ्सियात हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एट द कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपकी मौजूदगी का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अरूसा खान हमें ज्वाइन कर रही हैं, जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया के एक फोरम डेली पाकिस्तान से है जिसमें वो होस्टिंग के फ़राइज़ निभाती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का अरूसा। सबसे पहले अगर महविश, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ,
आप क्या समझती हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद पिछली जनरेशन के लिए था, यानी हमारे बुज़ुर्गों के लिए था. आज काफ़ी हद तक हमारे लाइफस्टाइल्स, हमारी ज़िंदगियाँ इंडिविजुअलिस्टिक हो गई हैं, तो क्या अभी भी हम ख्याल करते हैं इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, या हम मादर पिदर आज़ाद हो चुके हैं आजकल? मुकम्मल तो मादर पिदर आज़ाद नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे कल्चर और कुछ इस तरह से हमारा सोशल सेटअप इस तरह से है कि हम फैमिलीज में रहते हैं. तो एक बात आपने जो शुरू में एक प्रियम्बल बनाया उसमें बहुत अच्छी कही कि हम आमतौर पर लोग क्या कहेंगे, मैं उसी वक्त कंसर्न होते हैं जब हमें अंदर से पता होता है कि देर इज़ समथिंग जो कि हम कंप्लाई नहीं कर रहे सोसाइटी के नॉर्म से. लेकिन जो फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन है वो एक इंसान का इनेट फियर है, वो हर शख्स को होता है कि हम लोगों के अप्रूवल के लिए, वैलिडेशन के लिए ज़रूर लोगों की तरफ देखते हैं. तो हम लाख कह लें कि जी आई डोंट केयर, मैं तो अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन हमसे बहुत सारी दफ़ा वो चीज़ें करवाता है जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि भाई लोग क्या कहेंगे, मैं करूँगा तो क्या सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, हम ये ज़रूर करते हैं. फ़र्क आ गया है, पहले ज़्यादा हम कंसर्न्ड होते थे कि व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट अस, मगर वही तमाम लोग जब बड़े हुए और बूढ़े हुए उन्होंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे काम जो हमने नहीं किए अपनी पूरी ज़िंदगी, आज हमें उसका पछतावा ज़्यादा है, तो हमने अपने बच्चों को भी कहना थोड़ा कम कर दिया और बच्चे भी ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट के साथ हैं. लेकिन माविश, इज़ इट नेसेसरली अ बैड थिंग? मैं इसको गुफ्तगू को दूसरे एंगल से भी लेके चलना चाहती हूँ कि हमेशा जो कुछ दखियानुसी चीज़ें थी जिसने बहुत सारे ख्वाबों को चिकनाचूर किया, बहुत सारे दरवाज़ों और राहों पर यू नो पाबंदियाँ लगाई, ताले लगाए, कि मिसाल के तौर पर जैसे मैंने भी अभी को मिसाल दी कि प्रोफेशनली चीज़ों को परसू ना करें लड़कियां शादी के बाद, या आला तालीम हासिल ना करें, क्या करना है, इनके तो हमें साफ साफ मनफी असरात नज़र आते हैं. लेकिन दूसरी जो कदरें थी, यानी ख़ास तौर पे अगर हमारे माशरे में हमारे अपने चीज़ों के पहनावे को देख लें, खाने पीने के चलन को देख लें, जो हमारे यहाँ इखलाकियात एक ट्रेडिशनल सोसाइटी की समझी जाती थी, पहले कई चीज़ें हम इस खौफ से करते थे कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिन लोगों के जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, वो क्या हमारे बारे में एक राय कायम करेंगे, सोशल बॉयकॉट ना हो जाए, हमारे बारे में मनफी राय ना हो जाए. लेकिन जब हमने इन चीज़ों को अपने प्रस्पेक्टिव से निकाल दिया, तो हैज़ इट रियली सर्व्ड अस इफ़ यू लुक एट आवर लाइफ स्टाइल्स टुडे? इट डेफिनेटली हैज़ सर्व्ड अस. मैं इस तरह बात करूँगी कि हम पहले ये भी डिसीशन कि हमारे बच्चों ने आगे क्या पढ़ना है, उनकी किस ख़ानदान में शादी होगी, उनकी पसंद की शादी होने देनी है या नहीं देनी, वो तक हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कहते थे कि ताया मायना कर जाएँ, जिस हम ख़ानदान से हैं वो ना हो जाए. जो आपने बात की मोहल्ले की, हमारे ये भी कहा जाता था अगर कोई लड़की कोई नौकरी करती है तो जी हमारे मोहल्ले में पसंद नहीं किया जाता लड़कियों का मगरब के बाद वापस आना, जो कि उस फैमिली का लेना देना नहीं होता था बाकी मोहल्ले के अफराद से. तो जो अब थोड़ा सा हमने इन चीज़ों को पुशबैक दिया है, इन अ वे ये हमारे अपने मेंटल पीस के लिए भी बेहतर हुआ, लेकिन इसकी एक डाउन साइड है कि हमने होता यह कि जब हम जैसे स्प्रिंग की मिसाल है, आपसे बहुत दबाएंगे जैसे छोड़ेंगे वो ज़्यादा ज़ोर से उछलता है. तो सिमिलरली जब हमने एक चीज़ को बहुत नेगेटिवली इम्पोज किया था तो हम उससे एक होता है ना कि आप दरमियान की राह निकालते हैं, इम्पोज किया था, यानी हमने बहुत रिजिड हो गए थे हम, तो हम जब निकले हैं तो हम बिल्कुल अब बागियाना सोच के साथ निकले कि आई डोंट केयर व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग, जो कि अगेन वो भी गलत ही है. इसमें एक और सवाल जो पैदा होता है अब्दुलरहमान, ये मैं आपकी तरफ लेके जाना चाहूँगी कि क्या ये पहली दफ़ा मुश्किल होता है? यानी हम कहते हैं ना कि बच्चे को पहले हम बड़ा डरा कर रखते हैं कि फैमिली क्या सोचेगी, अब्बू को शिकायत हो जाएगी, तो वो लेकिन जब वो पहली दफ़ा झिझक ख़त्म हो जाती है, आप एक दफ़ा लेट आ गए और उसके बाद आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया, तो उसके बाद क्या दोबारा वो सो कॉल्ड डिवियंट बिहेवियर आसान हो जाता है? बिल्कुल, ये बात तो ठीक है कि जब पहली दफ़ा करना सबसे मुश्किल होता है, मगर एक दफ़ा जब बंदा कर लेता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ झिझक पहले से तो कम हो जाती है. सही, मगर आप एग्जैक्टली किस बारे में ये पूछ रही हैं? यानी किसी भी चीज़ में अगर आप लेट आने की बात करें, या ये जो एक सिलसिला बनता है जो सो कॉल्ड नॉर्म्स को ब्रेक करने का, रूल्स को ब्रेक करने का, या जो सो कॉल्ड एक अस्यूम्ड डिवियंट बिहेवियर है कि जी ये पहले नहीं होता था आज होगा, और इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है. हमारे यहाँ घर में खाना हमेशा घर में पकता है, आपने बाहर से मंगा लिया, हमारे यहाँ घर की खवातीन ही घर का काम करती हैं, आपने हेल्प रख ली या मेड रख ली, तो पहली दफ़ा ये मुश्किल होता है और उसके बाद आप कहते हैं बस जी ले लिया तो स्टैंड ले लिया, अब तो चीज़ें बदल गई हैं, हवाओं के रुख बदल गए, अब इसको एक्सेप्ट करें. हाँ बिल्कुल, पहली दफ़ा ऑब्वियसली सबसे मुश्किल होता है. हाँ. और बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें अपना रोल अदा करते हैं. हुँ. कि आपका जो माशरा है, आपके घर वाले हैं कितने फोर्थ कमिंग हैं, कितने वेलकमिंग हैं चेंज के लिए,
कुछ जगहों पे बहुत सख्ती होती है तो वो पहली दफ़ा भी कोई नहीं कर पाता। जैसे मिसाल जहेज़ की मिसाल मेरे ख्याल से ले लेते हैं, ठीक है, कि हमारे माशरे में जहेज़ देना जो है वो एक नॉर्म है। अब जो नहीं देता उसको बड़ी अजीब सी निगाहों से देखा जाता है, बहुत नीच निगाहों से देखा जाता है। तो किसी फैमिली का, किसी बंदे का उस रिवाज को तोड़ना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल चीज़ है, मगर एक दफ़ा अगर कोई कर दे तो ये वो एक क्या कहते हैं अच्छी परंपरा चल पड़ती है। सही। मगर ये बहुत कम लोग ऐसा कर पाते। अच्छा, इसमें दोबारा उसी ओरिजिनल पॉइंट पे आना चाहेंगे कि देखिए जब हम ट्रेडिशंस को तोड़ने की बात करें, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, बेसिकली एक माशरे में रिवायात को कायम करता है कि जी हमें एक सोशल हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके विद इन रहना है, हम कुछ नॉर्म्स एंड मोरेस को एक अनसेट लॉ सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम उसको नहीं करते तो लोगों की जो राय हमारे बारे में मनफी होगी। लेकिन इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, उसमें अच्छी रिवायात भी टूट रही हैं और बुरी रिवायात जिनको प्रोबेबली हमें फॉरगो कर देना चाहिए वो तो जायल हो ही रही हैं। आपकी तरफ आना चाहूंगी अरूसा, जो अच्छी रिवायतें खत्म हो रही हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे, यानी जो कंपैशन था, जो एहसास था, एक दूसरे की जिम्मेदारी लेना था, यानी मोहल्ले में सिर्फ एक दूसरे की पहरादारी तो नहीं हो रही थी बल्कि हमें यह भी पता होता था कि किसी के घर में कोई गम का मौका है, किसी पे कोई मुश्किल आई है तो हम कंसर्न्ड होते थे, एक दूसरे के बारे में पता होता था। आज हम इतने इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, हमें इतना हम बेपरवाही की तरफ चले गए कि हमें नहीं परवाह करनी कि भाई लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, कि हम एक दूसरे से शेयर करना भी तो चीज़ें हमने ख़त्म कर दी हैं। जी अरूसा, बिल्कुल, हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जो कि बिला वजह है और जिनको मेरे ख्याल से फॉलो करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बेसिकली जब हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते और उन रूल्स से बाहर जाते हैं तब लोग हम पे उंगली उठाते हैं, और बाज़ औक़ात हमने ऐसा भी देखा है कि जब हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग भी कर रहे होते हैं तब भी हमारे पे उंगली उठाई जाती है। दूसरी बात आपने कही कि हम लोगों ने हमसायों को पूछना बंद कर दिया है, मेरे ख्याल से तो हमने आजकल अपने माँ बाप को पूछना भी बंद कर दिया हुआ है, अपने बहन भाइयों को पूछना भी बंद कर दिया हुआ है। सही। तो इसकी एक वजह ये भी है कि शायद हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं या फिर हम लोग इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि हमें वो सारी चीज़ें जो कि हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं अपने बड़ों को, उनसे हम बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं। अच्छा, तो इसमें मैं कहूंगी खुद लोगों की अगर हम बात करेंगे तो लोगों का काम तो कहना ही होता है। अगर एब्सोल्युटली अच्छा, और उसका ये डिफर करेगा ओपिनियन लोगों का आपस में। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं लेकिन वापस आके ये बात भी करेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी नहीं होती, एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। वो लोग जो आप पे तोहमत लगा रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं, आपकी किसी भी बात को गलत तसव्वुर कर रहे हैं, आपको कंडेम कर रहे हैं या आपको उससे रोक रहे हैं, देखने में ये भी आया है कि वो मदद आपकी एक्चुअली नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ और सिर्फ जजमेंटल हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे लोग अगर ये कहें कि जी लड़की का बाहर जाना मायूब है, लेकिन कोई अगर उस घर में कोई मर्द नहीं है, कोई भाई नहीं है, तो उसकी किफालत की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जजमेंट पास की जा रही है कि लड़की को ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, काम अगर कर भी रही है तो मग़रिब से पहले आ जाना चाहिए। तो इस पर ज़रा बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, तो कई दफ़ा ये जो आपका रिएक्शन आता है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं आता कि आप आप अपने आप को खुदगर्ज समझ रहे हैं या बागी समझ रहे हैं, ये काफ़ी अरसे की सप्रेशन के बाद जो दबा हुआ गुस्सा होता है वो भी निकल कर आपका सामने आता है, जिसके बाद आप कहते हैं वट जिन लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं या जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में ये इन्फ्लुएंस आ रहा है उन्होंने कभी हमारी मदद तो की नहीं। मविश, कभी आपने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि जो अनदेखे लोग जिनके हम खौफ में मुब्तला रहते हैं इवेंचुअली आपका गुस्सा और आपकी तकलीफ इतनी बढ़ जाए कि आप कहें कि यार ये किन लोगों के हवाले से मैं सोच रही हूँ, इन्होंने आके मुश्किल में मेरी मदद तो कभी नहीं की। ये आपने बेहतरीन बात की है कि मदद तो कभी नहीं की, क्योंकि हम आमतौर पर उन लोगों को वैल्यू करते हैं या उनका ख्याल करते हैं किसी भी कोई भी डिसीजन लेते हुए जो हमें पता होता है कि यार ये मेरे बुरे अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा था। और जब हम ये देखते हैं कि ख़ानदान वाले हो गए, सोसाइटी हो गई, मोहल्ले वाले हो गए, इनका काम सिर्फ बातें बनाना है, इनको सिर्फ ये नज़र आ जाता है कि बेटी कितने बजे घर वापस आ रही है, उनको ये नहीं पता कि बिजली का जो बिल है वो बाप पे कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, या अगर वालिदा बीमार है तो दवाओं का खर्चा कहाँ से पूरा हो रहा है, उनको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि एक लड़की है सुबह तैयार होकर निकली है और वो शाम में मगरिब के बाद घर आती है। तो ये जो आपका कोई भी रिएक्शन होता है वो एक दिन का तो होता नहीं है। आपने वो सालों ये चीज़ें ऑब्जर्व की होती हैं या अपने पेरेंट्स को भुगतता देखा होता है कि भुगत रहे हैं, तब जाके आप ये हमेशा ये सोचते हैं, उस वक्त अबाइट कर रहे होते हैं व्हेन यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और यू आर नॉट ग्रोन अप, लेकिन आप हमेशा आपके जहन में होता है कि जब मेरी बारी आएगी या जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर ये सब कुछ नहीं सुनूंगा। और
आम तौर पे हम उसी वक्त रिबेलियस होते हैं या लोगों का ख्याल करना छोड़ देते हैं जब हमें यह एहसास हो जाता है कि बुरे वक्त में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, आई एम ऑन माई ओन, मैं इंडिपेंडेंट ही हूँ, तो जब मैं हूँ ही अकेला तो फिर मुझे इस बात की फिक्र करने की क्या ज़रूरत है कि लोग क्या कह रहे हैं। सही। और ये अकेलेपन का एहसास क्यों होता है, और क्या वाकई अब्दुलरहमान साहब आपने नोटिस किया है कि जो लोग ये राय रखते हैं, जो लोग ये फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो एक तरह से जिनका खौफ होता है, चाहे ये ख़ानदान के बड़े हैं या मोहल्ले के बड़े हैं, ये वाकई हेल्पफुल नहीं होते, ये भी सिर्फ सख्त मिजाजी के साथ अपनी जजमेंट पास कर रहे हैं? देखिए, सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उससे ब्रेक आउट करना बहुत मुश्किल होता है किसी के भी लिए, और जो नॉर्म्स होते हैं इनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, बेसिकली लॉजिकल नहीं होते, कुछ आपके मज़हब से थोड़ा सा अखज़ करके जनरेशन में थोड़ा चेंज होके बन जाते हैं, या जिन लोगों के साथ रहते हैं उनसे कुछ ना कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं आप, तो इससे ब्रेकआउट करना काफ़ी मुश्किल होता है। और हम कैसे भी हों, हम बहुत डरते हैं कि लोग, हर इंसान जो है वो एक्चुअल में मोहब्बत चाहता है, वो चाहता है कि उसको लोग पसंद करें, उसकी वैल्यू हो और उससे लोग इम्प्रेस हो किसी ना किसी लेवल पर, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस लेवल पर, तो उससे ब्रेकआउट करना बहुत मुश्किल होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। नहीं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर द नीड फॉर ब्रेकिंग आउट। देखें, अहम ये भी है यहाँ पे जानना कि वो कौन से यू नो सिचुएशंस हैं, वो कौन सी चीज़ें मुतहरिक आते हैं जिसकी वजह से आप उस सिनारियो से ब्रेकआउट करना चाहते हैं। जब आपको एक डिस्कनेक्ट फील हो, पहले लोग समाज की जो उसूल हैं उनसे अबाइड इसलिए करते थे कि अच्छे बुरे वक्त में यही लोग आपका साथ देंगे, लेकिन आज ये लोग सिर्फ जजमेंट पास करते हैं लेकिन वो जो साथ देने वाला पॉइंट है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, यानी सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि तोहमत लगा देना, एक जजमेंट पास कर देना, फैसला सुना देना, कि ये नहीं होता। आज की जनरेशन उस फैसले पर आप पे सवाल भी करेगी कि ऐसा क्यों, तब आपके पास जवाब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप ये कह देंगे जी परंपरा या रिवायत है, तो कोई ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सदर इकबाल साहब, क्या हाल आपका? ठीक है। मुझे लगता है आपकी जो दुखावा दिल है ना, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को ये कल पूरा ब्लैकआउट करना पड़ा है। आप रोज सुबह मुझे कहते थे आपके यहाँ लाइट नहीं है, कल हमारे पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं थी। आप बताएं, लाइट आ रही है? पहले बताएं। आप सुने ना, कल गई है 7 बजे, तो रात में तो सो गया था, 9 बजे आई है, सुबह फिर चली गई, अभी आई, आप केबल नहीं। देखें, ये अल्लाह मियां ने आपको बताया कि देखें, पहले आप जो गिला कर रहे थे ना कि देखें लाइट नहीं होती, लाइट वो आ जाती थी, अब आपको लंबा वाला ब्रेक डाउन दिया तो आपको कदर महसूस हुई होगी। सही है। अच्छा बताइए, लोग क्या कहेंगे, हम इस बात से क्यों डरते हैं? सिद्रा इकबाल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं जी, जो भी फैसला करें हम अपने जमीर के साथ करें, सोच के साथ करें। जब आपका जमीर किसी बात पे मुतमैन हो जाए, सारी दुनिया जो कहती है कह जाए, वो एक दिन झूठी साबित होगी। झूठी साबित होगी। लोग कुछ भी नहीं कहते, ये तो ना जिंदा रहने देते हैं ना मरने देते हैं। जब मरते हैं कहते हैं बड़ा अच्छा था, जब जिंदा हो तो उसको इतनी अजियत देते हैं बेचारा, कोई भी हो तड़पता रहता है। ये हम लोग ना किसी को जिंदा रहने देते हैं ना मरने देते, मर गया कहते बड़ा अच्छा था, अब जिंदा है तो कहते वैसी है वैसा है। जैसे किसी ने कहा था अकरम कुरैशी साहब कि पाकिस्तान में किसी भी शोबे में लेजेंड बनने के लिए और पजीराई हासिल करने के लिए मरना पड़ता है, पोस्ट्यूमसली मरने के बाद आपको सब याद कर रहे होते हैं कि वाह क्या बड़ा फनकार था, कितना बड़ा ये लॉस हो गया हमें। देखे हमने तो उसके और अभी जो फौत हो गए थे, क्या नाम, मुझे उनका नाम भूल गया। आप माजिद जहांगीर साहब की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो हमारे बड़े अच्छे जो नहीं थे, वो जो मीडिया जिस पे होते थे, पता नहीं नाम भूल गया। आमिर लियाकत साहब की बात कर रहे हैं? कौमी असेंबली के मेंबर भी थे। आमिर लियाकत साहब की बात कर रहे हैं जी। इतना टैलेंट वाला आदमी था, दीन से भी अगा था, दुनिया से भी अगा था, और हमने उसे क्या सिला दी, सही किस तरह दुनिया से मारा हम लोग। सिद्र इकबाल साहब ये बड़े जालिम है, और इन जालिमों में जिंदा रहना ऐसा ही है जैसे दरिंदों में जिंदा रहना। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब ये बात करने के लिए। अरूसा जी, आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी एक मुहावरा, बड़े बुरे ये भी कहते हैं कि ठीक है आपको ये परवाह होती है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन बोलने वाले की और यू नो खास तौर पे जो लफ्जों के तीर चलाने वाले लोग हैं उनकी जुबान नहीं रोकी जा सकती, पकड़ी नहीं जा सकती, तो फिर हम क्या करें, इसको दिल पे लेना कैसे रोकें?
वो आपने एक वो भी मुहावरा सुना होगा जिसमें वो बाप बेटा और एक गधा भी होता है, तो वो स्टोरी तो खैर वो एक मुहावरा तो बहुत मशहूर भी है कि उसमें बाप अगर गधे पे बैठता है तो उसके बारे में भी बात की जाती है कि बेटा पैदल चल रहा है, हाँ। बेटा गधे पे बैठता है तो तब कहा जाता है जी बेटा चल रहा है और बाप चल रहा है और बेटा गधे पे बैठा, और अगर दोनों बैठ जाते हैं गधे पे तो कहते हैं कितने जालिम हैं दोनों गधे पे बैठ के इतना बोझ डाल रहे हैं। तो बेसिकली हमारी सोसाइटी वो बाप बेटा और गधे के गिर्द घूमती है। दूसरी अगर बात की जाए कि लोग दिल पे ले लेते हैं, तो जब आप बागी होते हैं तो फिर आपने दिल पे क्या लेना, फिर तो दिल पे लेना बनता ही नहीं। लेकिन सब में इतनी हिम्मत नहीं होती ना रूसा, कई लोग वाकई लोगों की एक कही भी बात की वजह से चीज़ें छोड़ देते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ससुराल में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, आप नौकरियां कई लड़कियां छोड़ देती हैं, इसी तरह अगर एक मर्द ने बाहर जाके नौकरी करने का फैसला किया है लेकिन घर वाले दुनिया वाले फैमिली वाले कहें कि हाय बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जा रहे हो, कई ऐसे नौजवान भी हैं जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया कर देते हैं। तो हर कोई तो बागी नहीं होता, हर कोई तो यू नो इन चीजों से अफेक्ट होने वाले लोग भी तो मौजूद हैं। तो इस पे तो फिर हमारे पेरेंट्स को या हमारी फैमिलीज को सोचना चाहिए कि अगर एक बंदा अपनी फैमिली के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है कि वो उनकी वजह से अपने करियर को छोड़ रहा है, तो वहां पे फिर सोसाइटी का और फैमिली का बनता है कि उसको सपोर्ट किया जाए। इसकी कोई ज्यादा मैं दूर की मिसाल नहीं दूंगी, मैं खुद बजाते इसकी एक बहुत बड़ी जिंदा मिसाल हूँ। मैं जो कि एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली में ये अलाउ नहीं था कि आप टीवी पे आए, तो मैं जब टीवी पे आने के लिए मैंने एक फैसला लिया तो बेसिकली मैं उसके लिए बागी हुई थी और मुझे बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ा था। मैं लाहौर से बिलोंग नहीं करती तो ये एक बहुत बड़ी है, लेकिन जब आप बन जाते हैं या आप कुछ कर लेते हैं या आप अपना करियर बना लेते हैं तो फिर वही फैमिली जो आपको नहीं बुला रही होती या वही रिश्तेदार जो आप पे बात कर रहे होते हैं वो बाद में उन चीज़ उन लोगों को रियलाइज़ होता है कि हम गलत थे। तो हमेशा बड़े भी ठीक नहीं होते, मैं तो ये कहूँगी कि हम कहते हैं कि बुजुर्ग ठीक कहते थे रूसा जी, लेकिन अगर इसी मिसाल को मैं लेकर आगे बढ़ूँ आप मुझे बताइए कि सबको तो आप कायल नहीं कर पाई होंगी ना, यानी कुछ लोग तो अभी भी नाराज़ होंगे फैमिली के आपसे, उनके साथ कैसे डील करती हैं? नहीं, उनके साथ डील करना बस यही है कि वो नहीं बुलाते तो ठीक है, बट वो लोग मेरे जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तो वो उसमें मेरे साथ तो नहीं थे। तो जो लोग मेरे साथ नहीं थे या जो लोग मेरी हौसला अफजाई नहीं कर पा रहे थे वो आज भी मेरी हौसला अफजाई नहीं करते। तो जो लोग आपकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते बेसिकली वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो मेरे ख्याल से कि ऐसी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लोग होते हैं। कुछ लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि हम लोग गलत थे, कुछ लोगों को नहीं होता, या फिर उनकी एक जिद होती है, वो अपनी उस जिद से हारना नहीं चाहते होते। बिल्कुल तो सही। अच्छा ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारी जो राय है, हमारा जो ओपिनियन है, हम उसके कैदी भी बन जाते हैं। अगर सारी ज़िंदगी आपने एक चीज़ का प्रचार किया है तो फिर आपके लिए उस मौक़िफ़ से पीछे हटना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई लोग ब्लेटेंटली पीछे हटते हैं, यानी कुछ रूल्स वो दुनिया के बच्चों के लिए और दुनिया वालों के लिए बनाते हैं लेकिन वही रूल्स तोड़े जाते हैं उनके अपने घर में, या फिर ये कहना चाहिए कि हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने एक मूसा रखा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट थिंग्स इन दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आगे बात करेंगे कि जो दुनिया के ठेकेदार या थानेदारी कर रहे होते हैं अक्सर उन्हीं के घर से बगावत की बू क्यों आती है और वहीं से कोई ऐसा क्यों नहीं कैसे खड़ा होता है जो उनकी हर बात को, हर रूल को, हर फैसले को रद्द कर देता है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। अच्छा जी, लोग क्या कहेंगे ये एक सवालिया निशान हर जनरेशन के सामने भी होगा, क्योंकि हर वक्त जो तब्दील हो रहा है, नई कदरें आ रही हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि एक छोटी सी कोई भी डिवाइस या इन्वेंशन आप अपने घर में लेके आते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, लैपटॉप हो, यहाँ तक कि आपका ब्लेंडर ही क्यों ना हो, आपका माइक्रोवेव ही क्यों ना हो, वो अपने साथ एक कल्चर लेके आएगा और वो आपके घर में, आपके माहौल में तब्दीली पैदा करेगा। पहले शायद सब लोग साथ बैठ के खाना खाते थे क्योंकि खाना एक ही वक्त गर्म होता था, रोटियाँ उसी वक्त ताज़ा पकती थीं, एक रिवाज था कि सबने दोपहर में साथ होना है, तो आपके एक ट्रेडिशंस थे। बट टुडे थैंक यू रेफ्रिजरेटर, थैंक यू माइक्रोवेव, थैंक यू फूड पांडा कि आप अपनी मर्जी से, चार लोग हैं तो चार अलग अलग औकात पे खाना खाया जा रहा है, एंड थिंग्स विल स्लोली कीप चेंजिंग। और हर जनरेशन के सामने एक जारिंग चैलेंज ये आएगा कि जिंदगी जैसे आपने अपने बचपन में गुजारी, जो आपके बड़ों ने देखी, उससे बहुत मुख्तलिफ और ये चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है। अब्दुलरहमान साहब, क्या इस चेंज के साथ कोप अप करना, यानी एक छोटी सी मिसाल है,
हमारे यहाँ बड़ी इस पे हेडलाइंस बनी, हमने भी कई प्रोग्राम्स किए, लोगों ने इसकी तह में जाने की कोशिश की कि तलाक इतनी आम क्यों होती जा रही है। पहले चाहे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मैरिज क्यों नहीं है, डोमेस्टिक अब्यूज़ ही कोई नहीं है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग हत्तुल इम्कान कोशिश करते थे बिकॉज देयर वॉज अ स्टिग्मा अटैच टू डिवोर्स। नाउ दैट स्टिग्मा इज गोइंग अवे, बट माई रियल क्वेश्चन इज आर पीपल हैप्पियर? देखें, इसका सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम मैं अपनी दीन की तरफ जाते हैं कि इस्लाम इवन दो तलाक की इजाज़त देता है मगर कहता है कि सबसे नापसंदीदा हलाल अमल है जी। तो हमें किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं होना चाहिए। म्यान रवि का दर्स देता है इस्लाम, हमें भी म्यान रवि पे रहना चाहिए, बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा तलाकें होनी चाहिए, ना कहीं पर जेन्युइनली ज़रूरत भी पड़ जाती है तलाक की तो वहाँ पे तलाक का ऑप्शन होना चाहिए। मगर पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि तलाक से बचा जाए ऑब्वियसली। और जो आपने बात की ये बात ठीक है कि अब हम जो चीज़ देखते हैं जो स्लो चेंज होता है इट्स ईजियर टू एक्सेप्ट। हम आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए हैं, देख रहे हैं यूजुअली बाहर की फिल्में वगैरह देखते हैं उनका माहौल, वहाँ पे शादियाँ नहीं होती, तलाकें बड़ी आराम से हो जाती हैं। मुझे याद है हम जब छोटे होते थे और यू नो ऑब्वियसली स्कूल गोइंग थे, स्टार वर्ल्ड पे फ्रेंड्स आना शुरू हुआ था, तो उस पे भी हमारे घर में काफ़ी बहस हुई थी। मावेश, यू वुड रिमेंबर कि ये क्या किस्म का माहौल यू नो प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, लड़के और लड़कियाँ दोस्त इस तरह के नहीं होते, व्हाट इज़ दिस, इट वॉज़ वेरी एलियन टू अस कि एक तो लड़के और लड़कियाँ अलग अलग इंडिपेंडेंटली अपने अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, फिर इतनी फरावानी से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, but today it has become a very common norm in our society as well. देखिए, कोई भी चीज़ जो कि फॉरेन होती है, एलियन होती है हमारे लिए, तो पहला वो जो फियर ऑफ द अननोन होता है कि हम उसको एक्सेप्ट करने में देर लगाते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत फैसिनेट करती है तो सबकॉन्शियसली हम सबसे पहले सबकॉन्शियस में उसको एक्सेप्ट करते हैं और जब हमें मौका मिलता है तो हम उस चीज़ को प्रैक्टिस भी करते हैं जब हम इस वक्त देख रहे हैं। दूसरी, मैं दो बातें इस वक्त करूँगी इसी टॉपिक के हवाले से। पहली बात ये कि जो लोग क्या कहेंगे से जो हमने हमने जो ब्रेक फ्री किया है उसका रीज़न ये है कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने वाइल ग्रोइंग अप हमने उनको भुगता या हमने तकलीफ़ उसमें महसूस की, तो विद टाइम हमने इन चीज़ों को पे जैसे ध्यान देना छोड़ा, जैसे सिल पे मसाला पीसना छोड़ा क्योंकि ब्लेंडर आ गया था, लगा अच्छा आसानी इसमें, इसी तरह रोज़ खाना पकाने से बेहतर है कि फ्रिज खरीद लिया जाए। सिमिलरली आपको लगा कि लोगों की बातों पे ध्यान देने या लोगों की मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी के फैसले चेंज करने से बेहतर है, जिनके बाद में नतायज भुगतते हैं, बेहतर है कि अब अपने फैसलों को खुद लिया जाए और अपने सब उन लोगों को मद्देनज़र रखा जाए जो डायरेक्ट अफेक्टेड हों इस फैसले के बाद। अनपॉपुलर लोगों को लगेगी और शायद हम में से कई लोग अभी भी ये तसव्वुर करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप्स या बग़ैर शादी के मर्द और खातून का साथ रहना शायद ये एलियन बात है, लेकिन ये हमारे माशरे में भी हो रहा होने लगा है। लेकिन ड्राइंग लाइन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी क्या ये इकदार इस बात की इजाज़त देती हैं, आपका रिलीजन विच एवर रिलीजन यू आर प्रैक्टिसिंग क्या ये इजाज़त देता है। दूसरा, मैंने आपसे कहा था ना एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग क्या कहेंगे, आप जानती होंगी एक साइकोलॉजिकल एक टर्म होती है जिसको कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें ऐसा लगता है कि तमाम लोग हम ही को देख रहे हैं और हमारे ही बारे में सोच रहे हैं और उनकी हमारा हर किया हुआ अमल जो है ना वो लोगों की ज़िंदगी में बहुत असर डाल रहा है। हकीकत ये कि आप हर तकरीब के दूल्हा नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे एक्शंस या हमारा पहनावा या हर चीज़ ज़्यादा मेमोरेबल है। रियलिटी ये होती है कि लोगों के लिए हम 100% के बजाय सिर्फ 20% उनको असर पड़ रहा होता है हमारी ज़िंदगी में एक्चुअली क्या हो रहा है, मगर हम लोगों की वैलिडेशन के लिए जी रहे हैं, हम लोगों को के अप्रूवल्स को चाह रहे हैं। आई वुड लाइक टू चैलेंज दैट। तो मुझे ये बताएं कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम हर तकरीब के दूल्हा नहीं हैं, हर जगह हम पे स्पॉटलाइट नहीं है, तो लेकिन अगर इम्पोज्ड भी होता है कि हम ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपके मोहल्ले में आपके मोहल्ले वालों से आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती, वो शायद आपको सुबह काम पर जाता हुआ देखते हैं, वो भी रोज़ नहीं देखते, हफ्ते में तीन दफ़ा देखते हैं, लेकिन उन तीन दफा उन्होंने आपको एक ऐसे अटायर में देखा जो शायद उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने जीन्स पहनी हुई या वेस्टर्न पहना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपके बारे में एक राय तो कायम की जाएगी ना। कोई ये नहीं देखेगा कि आप कितने चैरिटेबल हैं, आप पांच वक्त के नमाजी हैं या नहीं, वो राय उसी चीज़ पे बनेगी। वहाँ पे आप अपने आप से सवाल करेंगे ना। अब देखो, जैसे ये इतनी ऐसी बात है कि जो मैं पिछले दिन आई वाज टॉकिंग टू माय डॉटर, मैंने कहा कि देखो मेरे टाइमिंग्स ऐसे ही हैं बिकॉज आई एम अ कंसल्टेंट, फिर मैं जहाँ जब टीवी चैनल्स पे जा रही होती हूँ तो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप, तो कोई सोचता है अरे सुबह सुबह 9 बजे फुल मेकअप करके इतना तैयार होकर गाड़ियाँ आ रही हैं पिक करने, कहाँ जाती हैं। आई डोंट हैव दैट 9 to 5 जॉब, इट्स माई ओन कंसल्टेंसी। यू आर सो एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आई कैन नॉट रिंग एवरीवन्स बेल एंड टेल देम कि दिस इज माई रूटीन या मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ। You have to learn how to ignore
बहुत दफ़ा लोगों का सोचना, लेकिन अगर मैं वाकई मैं मुतमईन हूँ कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो फिर मुझे उस तरह से असर नहीं पड़ना चाहिए। और ऑल्सो अपनी वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना, इसकी एक बहुत ही डिफरेंट मिसाल हमें वेस्ट में नज़र आती है। देखिए, हमारे यहाँ कई लोग इस बात का बहाना बना रहे होते हैं कि काम मुश्किल है, मैं रस्ते में था, फलाना था, मेरी नमाज छूट गई। ऑन दी अदर हैंड, अरूसा हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मुसलमान हैं, चाहे वो साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं या वहाँ के मुस्लिम्स हैं, दे डोंट रियली केयर। वो एक ज़्यादा हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में है जहाँ पर उनको कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, वहाँ की वो अक़लियत हैं, वहाँ की वो माइनॉरिटी हैं, लेकिन वो अपनी नमाज की ज़्यादा पाबंदी करते हैं। उनको जहाँ मौका मिलता है वो पब्लिक प्लेस में भी नमाज अदा कर देते हैं बगैर ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं। हमारे यहाँ बेसिकली सोसाइटी में या हमारे मुआशरे में, मैं पिछले दिनों भी बात कर रही थी कि जो हमारा पाकिस्तान का मुआशरा है, हम सबसे मुनाफिक तरीन लोग हैं। हम जैसे मुनाफिक शायद ही दुनिया में या दूसरे इस्लामिक ममालिक में मिलते होंगे। हम लोगों ने जो मज़हब का लिबादा ओढ़ कर हमने सोसाइटी में एक रूल्स बना दिए हैं, और ये रूल्स मेरे ख्याल से ज़्यादातर ख़वातीन के लिए बनाए गए हैं। जैसे आप कह रही थी कि मग़रिब के बाद खातून जो है वो घर से बाहर ना जाए, तो ये हमारी सोसाइटी का बनाया हुआ रूल है। ये कहीं भी हमारे मज़हब में ये शायद नहीं कहीं लिखा हुआ कि जी खातून जो है वो मग़रिब के बाद घर पर ही हो, घर से बाहर ना जाए। तो अगर दूसरे ममालिक की बात की जाए तो बिल्कुल मैंने ऐसी कंट्रीज़ विज़िट की हैं जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और वहाँ पे हमसे ज़्यादा इस्लाम को फॉलो भी किया जाता है। और अगर उनका मुआशरा देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं से ये भी लग रहा होता है कि ये हमारे जैसा घुटन ज़्यादा जो मुआशरा है उस तरह का है। हम लोगों ने मज़हब की आड़ में ऐसे रूल्स बना दिए हैं जिनकी वजह से हम लोग हर वक्त ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक और आपको एक बिल्कुल सही कह रही है रूसा, एक छोटी सी और मिसाल है दुनिया के और मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में जहाँ टूरिस्ट आते हैं, दूसरे आइडेंटिटीज़ या नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ पे आते हैं। अब्दुलरहमान, उनका उनका जो दीन है, उनके जो रोज़े हैं बिलखसूस, वो मुश्किल में नहीं पड़ते अगर पब्लिकली इन लोगों को खाने की इजाज़त दी जाए, यानी पब्लिक फूड इज़ अलाउड। लेकिन हमारे यहाँ लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि भाई रमज़ान का महीना है, सब रोज़े से होंगे, हम खा रहे हैं तो कहीं लोग हमारे बारे में कुछ गलत ही राय ना बना लें। हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस क्यों रहते हैं और दूसरों को भी जज करते रहते हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें मेरे ख्याल से टॉलरेंस नहीं है, किसी और को एक्सेप्ट करने का बिल्कुल मादा ही नहीं है। हम 1% भी किसी कोई चेंज नहीं देखना चाहते, किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सही। मैं जब टर्की गया तो आप यकीन करें वहाँ पे पूरी बुरके वाली भी और स्कर्ट वाली भी दोनों साथ बैठी हुई बातें कर रही थी और बड़ी खुश थे दोनों। वो उसको काफिर या वो उसको काफिर नहीं कह रही थी, और यानी अपनी राय को दूसरे पे मुसल्लत या इम्पोज नहीं किया जाता, दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। आप सिर्फ यही देखेंगे इस्लाम में कितने फिरके कितने बन गए छोटी छोटी चीजों पे। वो आपको याद होगा इंग्लिश नावल गुलिवर ट्रैवल्स करके था, उसमें दो कौमें लड़ रही थी, तो वो बंदा आया, उसने कहा भाई क्यों लड़ रही हैं? तो उसने कहा भाई ये जो है ना, ये हम इनसे नहीं है, ये अंडा ऊपर वाली साइड से तोड़ते हैं। उसने कहा नहीं, हम अंडा नीचे वाली साइड से तोड़ते हैं, और उनमें सदियों से जंग होती आ रही है। तो ये यही दिखाने की कोशिश की है कि हमें टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। और मेरा ये ख्याल है कि ये हमारी जो तरबियत होती है उसकी एक वजह है कि हम अपने बच्चे को कभी भी क्रिएटिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने की इजाज़त ही नहीं देते। हम कहते हैं चुप रहो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, और वो पूछता है क्यों, कहते क्यों वो नहीं पूछो, सवाल नहीं करते बाप से, बस करो ऐसे। अच्छा, तो हमारा ये रवैया बन जाता है कि बस फॉलो करना है। आज से 20 साल पहले मावेश लोग कहते थे ग्लोबल विलेज, लेकिन आज एक इस विलेज में जो है ना मोबिलिटी भी बहुत आ गई है। पिछले महीने कहा गया 7.5 लाख लोग पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में गए। अगेन, वेस्टर्न कंट्रीज हैव बीन वेलकमिंग पीपल विद ओपन आर्म्स इफ यू हैव द राइट टैलेंट्स एंड स्किल्स। तो हर मुल्क एक मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक आइडेंटिटी नेशनल आइडेंटिटी की तरफ जा रहा है। अब जब लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे तो यकीनन सबकी वैल्यू सबके अकदार आपस में या तो क्लैश करेंगे या फिर वो ज़्यादा टॉलरेंट हो जाएंगे। आप किस तरफ जाते हुए देख रही हैं दुनिया को, एंड व्हाट विल हैपन टू द नोशन ऑफ लोग क्या कहेंगे? देखिए, दुनिया तो सिंगुलैरिटी की तरफ जा रही है। कुछ अरसे के बाद 3-4 लैंग्वेजेस ही बोली जाएंगी, ज़्यादातर लैंग्वेजेस मादूम हो जाएंगी, जो हम बहुत पकड़ के बैठे हैं जी ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज। रियलिटी ये है कि इंग्लिश, मैंडरिन और 2-3 और बड़ी लैंग्वेज, अरबिक एंड फ्रेंच, अरबिक एंड, हाँ, कुछ बड़ी लैंग्वेजेस रह जाएंगी। इसके अलावा
जब आप कहीं ये जो हमारे पिछले हम 20 साल में फ़र्क देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, उसका मेन मेजर रीज़न ये है कि हमारे पास से एक बहुत बड़ी जनरेशन का एक हिस्सा बाहर गया, बाहर के मुल्कों से भी इन्फ्लुएंस होकर वो मुख्तलिफ किस्म की कहते हैं ना नया फैशन, जदीद इकदार, ये सब लेके आया। दूसरा, हम क्योंकि एक्सपोज हुए टूवर्ड्स वेस्टर्न मीडिया, तो हमारे वो हमारे पहनावे में, हमारे अंदाज में नज़र आने लगा। अभी फ़ौरन तो नहीं, लेकिन इट विल टेक 20-30 ईयर्स, अगर हम शायद उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, जब हमारे वो वाले जनरेशन जो इस वक्त हमें अभी भी जिनसे हमें खौफ है ना कि ये हमारे बारे में कुछ कहेंगे, एंड दे वोंट बी देयर, तो ये वाली जनरेशन तो जम ही हो जाएगी उस सकाफत में जाके। इन द एंड आई वांट टू शेयर अ मीम विद ऑल ऑफ यू, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाली जनरेशन बिल्कुल ही बर्बाद है, और इसकी वजह ये नहीं है कि वो बड़े कोई बड़ी मुख्तलिफ दुनिया में रहेंगे या वो दुनिया से दूर होंगे, बल्कि उनके बुजुर्ग हम होंगे। यानी हमारे अपने इकदार इतने स्टैंडर्ड हिले हुए हैं, दुनिया भर को हमने देखा हुआ है, वी आर नॉट वेरी वेल ग्राउंडेड। आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपके पास कितनी पावर है टू मेक योर ओन डिसीजन एंड टू एक्चुअली ट्रस्ट योर ओन इंस्टिंक्ट। अल्लाह ताला ने हम में से हर एक के अंदर एक कंपस लगाया, हमें सही और गलत की तमीज़ सिखाई है, हमने अपने आप से जुड़कर रहना है, अपनी ज़मीन से जुड़कर रहना है। किसी चीज़ के ऊपर तनकीद बराए तनकीद ना करें, लेकिन जो लॉजिक आपको समझ में आती है, जो रीज़न्स आपको समझ में आते हैं, उनको अपनी वैल्यू सिस्टम बना के ज़रूर आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ अरूसा, डॉक्टर अब्दुलरहमान और माविश मौजूद थी, थैंक यू फॉर बींग हेयर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कॉमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सेंड इट टू अस इन द बॉक्सेस बिलो, अगर आप इसको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। और इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।